ये जो रोशनी आपको नजर आ रही है ये उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के मुख्य द्वार जो मुहाना है उस पर लगे हुए बल्ब की रोशनी है, जहां पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। वहां से लेकर जहां इस वक्त मैं खड़ी हूँ, यानी कि टनल में मलबे के पीछे से लेकर इस खुली हवा में जहां पर फिलहाल मैं खड़ी हूँ, वहां तक पहुंचने के लिए मजदूरों का जो इंतज़ार था, जो फंसे हुए लोग हैं उनके जो परिजन हैं, उस इंतज़ार में एक रात और जुड़ गई है। जी हाँ, इस वक्त हमारी मौजूदगी ठीक टनल के बाहर है और अभी जो अपडेट्स मिल पा रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि ड्रिलिंग का काम अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मशीन में कुछ खराबी आ गई है जिसकी वजह से मशीन रुकी हुई है। उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है और उसको ठीक होने में तकरीबन 8 से 10 घंटे लगेंगे। उसके बाद सेटअप होने के बाद जो मशीन है वो दोबारा शुरू की जाएगी और उसके बाद ड्रिलिंग का जो काम है वो शुरू होगा, यानी कि जो हम पाइप लगाने की बात कर रहे हैं वो काम शुरू होगा। सर्द रात है, ऐसे में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो आप देखें कि उन्होंने अपने इंतज़ाम भी उसी हिसाब से किए हुए हैं। जनरल वीके सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जनरल वीके सिंह यहाँ पर सुबह से आए हुए थे और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जनरल वीके सिंह को खास तौर पर ये उनके यहाँ पर वो कैंपिंग कर रहे हैं, ना केवल वो बल्कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर अपना एक अस्थाई कैंप ऑफिस बना चुके हैं उत्तरकाशी में ही, यानी कि ये अभी यही रहने वाले हैं। क्योंकि जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि इंतज़ार में एक रात और जुड़ गई है, अभी मैं उत्तरकाशी में हूँ और आप शायद मुझे देखकर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ठंड हो रही है, ठंड बहुत हो रही है और ऐसे में रात बढ़ने के साथ साथ ये ठंड और बढ़ती जाती है। इसीलिए जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर आप देखें अलाव के भी इंतज़ाम है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी जैसे अभी आपको खड़े नज़र आ रहे हैं इसी तरीके से रात भर चौकस रहते हैं और इसी तरीके से कोशिश करते हैं कि लगातार जो खुद को थोड़ा गर्म रख के वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। तो अलाव का सहारा ना केवल इन्हें, इनके भरोसे हमें भी और जो परिवारजन यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी कहें कि राहत की रोशनी की अगर बात की जाए तो वो भी यहीं से मिलती हुई दिखती है। फिलहाल अपडेट यही है कि काम रुका हुआ है, कल की तुलना में आज की बात करें केवल 1.8 मीटर्स एक्स्ट्रा ड्रिलिंग हुई है, यानी कि 45 मीटर की जानकारी हमने कल दी थी, आज 46.8 मीटर जो है ड्रिलिंग हो पाई है। उसके बाद प्रेशर पड़ा है, जिस तरीके के प्रेशर की हम कल बात करते थे वो प्रेशर पड़ने की वजह से बताया जा रहा मशीन ख़राब हुई है, उसको ठीक होने में समय लगेगा, 8 से 10 घंटे का समय उसे ठीक होने से लगेगा और उसके बाद जो पूरी ड्रिलिंग प्रोसेस है वो शुरू होगी। अब यहाँ आप जहाँ पर ये मौजूदगी है देखें, यहाँ पर ये नॉर्मली तो ये टनल का पूरा कैंप साइट ऑफिस होना था, पर फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर आप किस अंधेरे में थोड़ा दिख पाए तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, हैवी मशीनरी के साथ वर्कर्स हर जगह नज़र आ रहे हैं। हर वक्त कोई ना कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ी कुछ सामान लेकर अंदर जाती है या वहाँ से बाहर आती है और इस तरीके की हलचल यहाँ पर रात भर चलती रहती है। इस पूरी बातचीत में जो कॉमन है वो ये कि आज ये 12वीं रात होगी, एक के बाद एक आज ये 12वीं रात होगी जब इंतज़ार सबका बढ़ेगा। आज की रात वो रात नहीं है जब माना जा रहा है कि 41 मजदूर वहाँ से बाहर आएंगे और अपने परिवारजनों से मिलेंगे, आज वो रात नहीं है। एक रात का सफ़र और उनका बढ़ गया है और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि कल का जो नया सवेरा होगा, कल की जो नई सुबह होगी वो उनकी ज़िंदगी में भी एक नया सवेरा लेकर आएगी। मशीन ऑगर मशीन जो है उसके प्लेटफॉर्म पर भी थोड़ी दिक्कत बताई जा रही है, उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। यहाँ से हमने जाते हुए देखे तमाम इक्विपमेंट, तो यही माना जा रहा है कि उसको ठीक होने में 7 से 8 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस ड्रिलिंग का वो शुरू होगा। कितना ड्रिल करना है, अभी तक 46.8 मीटर्स की ड्रिलिंग का जो काम है वो हो चुका है और अब तकरीबन 57 से 60 मीटर तक की पाइप को बिछाना है, तो 10 पाइप टोटल बिछने वाली हैं, 6-6 मीटर की एक एक पाइप है और अभी हम लोग 8वीं पाइप को ड्रिल कर रहे हैं, उसी के बीच में अटके हुए हैं। ये 8वीं पाइप जब अंदर हो जाएगी, अभी 3 पाइप पूरी ड्रिल करनी है, तो ये 8वीं पाइप जब अंदर हो जाएगी उसके बाद जब हम दूसरी पाइप में जाएंगे और जब हमारे पास केवल जो वक्त है वो 50 मीटर से आगे का रह जाएगा, तब उसमें कुछ भी कहना जो है वो थोड़ा आसान हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो 45 से 50 मीटर का पूरा स्ट्रेच है, इसमें मलबा है, इसमें लोहा है, इसमें स्टील है, जो कि कल से दिक्कतें कर रहा है लगातार, ऐसे में आज भी उसी दिक्कत की वजह से
मशीन फिलहाल रुक गई, ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है, लेकिन काम उसको ठीक करने का लगातार चल रहा है। काम यहाँ रुका हुआ है का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, उन मशीनों को ठीक करने का काम हो रहा है ताकि तेज़ी से रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जा सके। एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर जो सुबह से आई हुई है, अब आप देख रहे हैं कि रात का क्योंकि समय है तो ये एक्सपर्ट की टीम भी यहाँ से अब निकल रही हैं। और अभी जो है समय जो बताया जा रहा है वो यही, जानकारी जो दी जा रही है वो यही कि समय लगेगा, अभी ये समय लगेगा और हो सकता है कि कल का दिन एक नई खुशखबरी के साथ आए, एक नए सवेरे के साथ आए।